बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माल वाल्टी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ग्रोसरी शॉपिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और जो मैं चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चैलेंज टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं और मामा आ जाए थे ग्रोसरी करने के लिए यूटिलिटी स्टोर पे। जैसा कि मैंने यहाँ की आप लोगों के साथ पहले भी दो तीन वीडियो शेयर की हुई हैं, यूटिलिटी स्टोर के हमारे पास ही है, तो वहाँ पे हम जो है ना ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाते हैं। तो मैं और मामा हम दोनों यहाँ पे जो है ना शॉपिंग करने के लिए आए थे। जो जो चीज़ें लेनी थी मंथली हम लोग वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और मामा सबसे पहले सोप लिया था, फिर जो है ना सर्फ ली, इस तरह से जो जो चीज़ें लेनी थी तो वो हम जो है ना ले रहे थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें मम्मा उठा के रख रही थी, कुछ चीज़ें मैं रख रही थी। एक हाथ के साथ मैंने ट्रॉली पकड़ी हुई थी और एक हाथ के साथ कैमरा। तो बस इस तरह से जो है ना मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ पे मैंने ना मुझे ये कलरफुल मकरोनी नज़र आई, मैंने कहा मम्मा ये ले लेते हैं। मम्मा कहती हैं नहीं रहने दो फजूल खर्ची, ना तुम खाती हो इस तरह की चीज़ें। मतलब कि वैसे मैं खाती हूँ लेकिन आजकल मैं डाइट कर रही थी तो इस वजह से मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखा रही। तो मेरी मामा को लगता है जो चीज़ें हों घर में या फिर ना खा रही हों वो फजूल खर्ची होती है, इस वजह से जो है ना हम इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लेते। घर में इस तरह से होता है, मतलब कि मदर इस तरह से करती हैं कि ये चीज़ नहीं लेनी, वो चीज़ नहीं लेनी, जो घर में है वो नहीं लेना। और इस तरह से हमारे घर में इस तरह से होता है। मैं और मामा सारी चीज़ें जब शॉपिंग करने आते हैं सबसे पहले देख के आती हैं कि कौन कौन सी चीज़ घर में मौजूद है और कौन कौन सी नहीं है, फिर हम उसके मुताबिक ही शॉपिंग करते हैं। जो घर में हो वो नहीं लेके जाते, जो ना हो, क्योंकि फिर हमारे घर में तीन हम फर्द हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना होता है, तो जो है ना थोड़ा थोड़ा पकाना होता है। इस वजह से जो है ना अगर पड़ी रह जाती हैं चीज़ें उनमें कीड़ा लगने का भी होता है और जो है ना ख़राब होने का भी होता है। इस वजह से फिर हम ना उसके मुताबिक जो है ना शॉपिंग करते हैं, जो चीज़ें हों उनको नहीं लेना, जो ना हो उनको ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मामा इस साइड पे ना काफ़ी चीज़ें थी जो हमने लेनी थी, तो मैं यहाँ पे खड़ी कर दी थी मैंने ट्रॉली और मामा रखती जा रही थी अंदर रख उठा उठा के। केचप वगैरह थी साइड पे, जो है ना दालें वगैरह सारी थी, और साथ में जो है ना नमक वगैरह इस तरह की जो चीज़ें थी ना वो इस साइड पे थी। उस साइड पे सिर्फ सोप थे और साथ में जो है ना सरफ वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। इस साइड पे जो है ना ज़्यादा चीज़ें थी, तो फिर इस साइड पे हम आ गए तो मामा उठा उठा के लिखती जा रही थी। मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी और टराली घुमा रही थी। तो यहाँ पे मामा जो है ना जो जो लेना था वो ले लेके रखती जा रही थी। बस मैं भी बता रही थी साथ की ये लेना है वो लेना है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी कि रमज़ान की वजह से वीडियो जो है ना अपने टाइम पर नहीं आ रही, उसके लिए माजरत, क्योंकि रमज़ान में काफ़ी जो है ना लाइफ डिस्टर्ब हुई हुई है। सुबह सैरी में भी उठना होता है, फिर सैरी के बाद जब सोते हैं तो दोबारा उठते उठते 11-12 हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना आगे फिर वीडियो को अप करना, सारा कुछ उसका काम एडिट वगैरह करना, वॉइस ओवर करनी, इस तरह से जो है ना सारा कुछ करना होता है। पहले तो मैं सुबह उठ जाती होती थी, इस वजह से मैं सुबह सुबह ही सारी वीडियो करके उसको अपलोडिंग पर लगा देती थी। कुछ नेट इशू की वजह से ना वीडियो काफ़ी जो है ना लेट, कभी 5 बजे आ रही है, कभी 6 बजे आ रही है, कभी 4 बजे आ रही है, कभी तो एक दिन तो तकरीबन मैंने रात को 10-11 बजे अपलोड हुई थी वीडियो जाके, तो बस वो नेट इशू। और कभी कभी तो 2-3 दिन ऐसे भी गए हैं कि नहीं अपलोड हुई, तो उसके लिए जो है ना माज़ रमज़ान का अब ये महीना जो है शायद इसी तरह से ही गुजरे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जो है ना अपनी टाइमिंग पे वीडियो आए। रमज़ान की वजह से और जो है ना नट इशूज़ की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं पहले ही माज़रत करती हूँ। मैंने कहा वीडियो में बता दूँ कि ये वजह है, इस वजह से वीडियो जो है ना अपने टाइम पर नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों ने डेली वीडियो वॉच करनी है, इंशाल्लाह डेली का डेली आया करेगी। अब मैं कोशिश करूँगी कि कोई भी दिन जो है ना ज़ाया जाए तो डेली वीडियो आया करे। तो अगर ये जो है ना प्रॉब्लम हुई है 2-4 दिन, उसके लिए माजरत। तो अब मैंने वीडियो में बता दिया आपको, लेकिन जो है ना वीडियो की टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कोशिश करूँ कि डेली जो है ना वीडियो अपलोड करूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारा बिल बन रहा था, सारी चीज़ें हमने जो है ना ले ली थी तो हमारा बन रहा था बिल। तो मामा ने बोला कि जाओ एक दफ़ा अंदर चक्कर लगाओ, अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी देख लो, लेनी तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना देख रही थी कि कोई चीज़ जो है ना रह तो नहीं गई, तो ये मसाला जात मैं देख रही थी, मामा को बोल रही थी कि लेने तो नहीं है। मामा कह रही थी हमारे घर में कौन से गेस्ट आ रहे हैं, इतनी रमज़ान में कम ही आता है, कौन इतना आता है, अगर कोई इफ्तारी वगैरह करवाएं तो फ्री होता है।
तो यहाँ पे जो है ना, वैसे भी मैं इतना ये जो है ना मसाले डिब्बे वाले मुझे पसंद नहीं है, मैं इस्तेमाल नहीं करती, मैं घर के मसालों से ही खाना बनाती हूँ। बहुत कम जो है ना, कभी कि कोई गेस्ट आने हो तो फिर बिरयानी वगैरह बनाए तो फिर बिरयानी वगैरह में मैं डाल लेती हूँ, वैसे मैं कभी भी नहीं इसको इनको इस्तेमाल करती। तो यहाँ पे फिर सारा कुछ मैं घूम के देख रही थी कि कुछ लेना तो नहीं है, अगर कुछ लेना तो फिर मैं जो है ना रह गया तो उसको ले लूँ। तो यहाँ पे मैं गुजर रही थी तो मेरा जो है ना ध्यान टिशू पे पड़ा, मैंने कहा टिशू रोल ले लेते, मामा कहती है नहीं पड़े हुए हैं घर में मैंने हमारे, क्योंकि पहले पिछले मंथ जब लेके आए थे तब मैं पूरा पैक लेके आई थी, तो फिर घर का आगे काम स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से जो है ना घर का काम स्टार्ट होने से पहले जब हमने ग्रोसरी की थी, जब घर का काम 2 मंथ होता रहा तब तो हमने इतनी हास की भी नहीं है, क्योंकि जो घर में सामान पड़ा हुआ था वही हम इस्तेमाल करते रहे हैं, तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब जो है ना हमने बोला चलो जो है ना शॉपिंग कर लेते हैं सारी, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो फिर सारी चीज़ें हमने ली थी। तो मामा कह रहे थे कि मिल गए हैं वो टिशू मुझे, तो ना लो जब वो ख़त्म होंगे फिर ले लेंगे नेक्स्ट मंथ, मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हारपिक मुझे नज़र आया क्योंकि वो भी ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने मामा को बोला कि ये यहाँ पे ना हारपिक भी ले लें, फिर वो भी हमने ऐड करवाया। उसके बाद हमारा बिल बन चुका था, अब जाने लगे हैं जी हम घर। यहीं तक थी जी मेरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।